बाराबंकी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबंकी में लगातार लाश मिलने का सिलसिला जारी है। थाना टिकैत नगर के चिर्रा गांव में 35 वर्षीय युवक की लाश तालाब में मिली है। वहीं लाश मिलने से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में कल 2 किशोरियों की लाश प्लास्टिक की बोरी में बंधी मिली थी और आज फिर एक युवक की लाश मिली है। तो बाराबंकी में लगातार लाश मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर एक युवक की लाश तालाब में मिली है। इस खबर पर हमारे संवाददाता श्रवण चौहान जुड़ चुके हैं। श्रवण, एक और लाश मिली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल अब्दुल करीम जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बाराबंकी के टिकैत नगर के शुखीपुर चौकी के निकट चिर्रा गांव का है, जहां पर बताया जाता है कि एक 35 वर्षीय एक युवक का शव तालाब में मिला है। फिलहाल ये जो शव मिला है इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो वहीं आपको एक जानकारी और बता दें कि युवक के सिर में गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल परिजनों को बुला के इस संबंध में जानकारी ली जा रही है और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। श्रवण, कल भी 2 लाश मिली थी बोरी में बंधी हुई, तो आपको लगता नहीं कि कानून व्यवस्था जो बाराबंकी की वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बाराबंकी में लाश मिलने का सिलसिला लगातार जारी है वो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर गई है, जिसके चलते जो है ये घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में अगर बात किया जाए पिछले 15 दिनों की, तो ये देखा गया है कि करीब जो है आधा दर्जन से अधिक के जो शव हैं वो मिले हैं। तो कहीं ये देखा गया है कि जो प्लास्टिक की बोरी है उसमें युवतियों की और किशोरियों की शव मिलते हैं, तो कहीं ये देखा जाता है कि आसपास लोगों की शव मिलते हैं। श्रवण, वैसे जो आज लाश मिली है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कौन है वो, कहाँ का है, कैसे उसको मार के फेंका गया या क्या हुआ उसके साथ में? जी बिल्कुल, ये जो मृतक है इसकी पहचान धर्मेंद्र पुत्र चंग बहादुर महदीपुर के रूप में हुई है। तो वहीं जो पुलिस है उनके परिजनों को बुला के शिनाख्त कराई थी, जिस पर जो है परिजनों ने देखा और रोना अब लखना शुरू कर दिया है। फिलहाल जो परिजन है वो तहरीर जो है। बिल्कुल, तो श्रवण, बाराबंकी में क्या हत्या करना इतना आसान हो गया कि जब चाहो आप किसी की हत्या कर दो और लाश को कहीं भी फेंक दो आप? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं तो ऐसी जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल ये करने पे मजबूर जरूर कर रही हैं कि जिस प्रकार से जो शव हैं वो मिल रहे हैं, तो इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात को लेके मनमुटाव हो गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर वो कर सकता है, उसके बाद लाश को वो कहीं भी बहा सकता है, फेंक सकता है। धन्यवाद आपका श्रवण जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबंकी में लगातार लाश मिलने का सिलसिला जारी है और आज भी टिकैत नगर के चिर्रा गांव में 35 वर्षीय युवक की लाश तालाब में मिली है। लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में कल 2 किशोरियों की लाश प्लास्टिक की बोरी में बंधी मिली थी और आज फिर एक 35 वर्षीय युवक की लाश तालाब में मिली है।